2019 में एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी को लगेगा जोर का झटका। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को आखिर कितनी सीटें मिलेंगी? देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को साल 2019 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था। इन चुनाव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की है। साल 2014 में केंद्र की बीजेपी सरकार बनाने में इन तीनों ही राज्यों का बड़ा योगदान रहा था, लेकिन अगर साल 2019 लोकसभा चुनाव में वोटिंग ट्रेंड ऐसा ही रहा तो फिर बीजेपी और मोदी की सत्ता में वापसी की राह मुश्किल हो जाएगी। दरअसल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में कुल 83 लोकसभा सीटें हैं और 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन राज्यों में बेहतर प्रदर्शन किया था। 5 राज्यों की 83 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के पास 63 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस को महज 6 और अन्य को 14 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। इसी तर्ज पर अगर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी वोटिंग और नतीजे रहे तो बीजेपी 63 सीटों से घटकर 23 पर आ जाएगी और कांग्रेस 6 से बढ़कर 40 पर पहुंच जाएगी और बाकी सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। विधानसभा चुनाव के वोटिंग ट्रेंड के मुताबिक राजस्थान की 25 में से 12 सीटें कांग्रेस को जा सकती हैं, जबकि बीजेपी को सिर्फ 9 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है, जबकि बाकी सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी नतीजे बीजेपी के पक्ष में जाते दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहां कांग्रेस को 16 और बीजेपी को 13 सीटें मिल सकती हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां साल 2014 के ठीक उल्टे नतीजे आ सकते हैं। पिछली बार बीजेपी ने 9 और कांग्रेस ने 1 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को 9, बीजेपी और अन्य को 1-1 सीटें मिल सकती है। जहां तक तेलंगाना की बात है तो इस बार पिछली बार 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार खाता भी नहीं खोल पाएगी। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।